आश्रा, कम से कम मुझे जूते तो नहीं मारे। जूता हर दफा हाथ से नहीं मारा जाता। बाज़ औक़ात जुबान से कही हुई बात जूते से ज्यादा सख्त होती है। जख्म ज्यादा गहरा होता है किरण। ये भी जानती हूँ, इसका भी तजुर्बा है मुझे। मैं यहाँ पे बैठ के तुमसे अपने शौहर की बुराइयां नहीं करना चाहती, लेकिन सिकंदर के हाथों में हर उस तकलीफ का शिकार हो चुके हो जिससे तुम मुझे यहाँ पे बैठ के डरा रहे। देखो, बड़े बीच में बैठेंगे तो मसला हल हो जाएगा, सिकंदर ठीक हो जाएगा, वो मान लेगा अपनी गलतियां। वो हमेशा अपनी गलती मानता है, लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं होता और ना कभी ठीक होगा। तुम उसे एक मौका दो। तुम्हें लगता है नान के मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया होगा? एक मौका और दो किरण। तुम्हें मुझसे हमदर्दी नहीं है? हमदर्दी है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। किरण, मुझे बड़ी तकलीफ होगी अगर मैंने तुम्हें तलाक के बाद परेशान देखा। हाँ, तलाक के बाद अगर मैं परेशान हूं तो सबको तकलीफ होगी, लेकिन शादी का फंदा गले में डाल के मैं रोज मरूं, किसी को कोई मसला नहीं होगा। क्या फजूल बातें सोच रही हो तुम? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? अभी उसकी पहली बीवी मैके से आई नहीं है और तुम उसकी दूसरी शादी का सिलसिला लेके बैठ गई हो? ये सिलसिला मैं नहीं लेके बैठ गई, वो तो फायका ने बात की तो मुझे ख्याल आ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि फायका को कैसे ख्याल आ गया। उसको ये ख्याल ऐसे आया कि उसके दिल में अपने भांजे का और बहन का दर्द है। आपके खानदान वालों की तरह खुद गर्ज नहीं है मेरे खानदान वाले? तुम्हें तो बस मेरे खानदान वालों की बुराई चाहिए किसी ना किसी तरह। मैं बुराई कब कर रही हूँ? मैंने तो वैसे ही एक बात की थी। अच्छा चले, हाँ छोड़े, मेरी बात का जवाब तो दे। क्या जवाब दूं मैं तुम्हारा? अभी तो पहले ही बहू के साथ मसला चल रहा है, अभी शादी के बारे में सोचना ही मत। किरण का सिलसिला तो अब आप खत्म ही समझें। अब तो अगर वो आना भी चाहेगी तो मैं नहीं रखूंगी उसे। कितना जलील किया है उसने सिकंदर को और हमें। उसको रखने का फैसला हमने नहीं, तुम्हारे बेटे ने करना है। उसे मैं समझा लूंगी। मैं तो समझता हूँ कि हमें एक दफा किरण के वालदेन के पास जाना चाहिए, हल करने की कोशिश करना चाहिए इस मसले को। मैं तो मर कर भी ना जाऊं उसको मनाने के लिए। तुमने कभी सिकंदर का हाल देखा है? तुम क्या समझती हो वो इतनी आसानी से किरण को तलाक देंगे, तुम्हारी भांजी से शादी में राजी हो जाएगा? हमें सिकंदर और किरण के दरमियान पैचअप कराने की कोशिश करनी चाहिए। उनके बीच में झगड़े की वजह हम नहीं है। फिर भी वो हमसे इस बात की तवक्को रखता है शाइस्ता, सिर्फ खुद कह नहीं पा रहा। बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हैं आप मुझसे। मैं तो ये कह रहा हूँ शाइस्ता कि कल कल्ला को वहां में ब्लेम ना दे कि हमने उसकी शादी टूटने भी और उसे बचाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। मुझसे आप लिखवा लें, ये बात वो झूठ कह रही है। अगर फायका मुमानी कह रही है किरण तलाक मांग रही है तो वो यकीनन तलाक मांग रही है। आयशा मुमानी भला बताएंगी कभी? झगड़ों के बारे में तो उसने बता दिया है ना। वो भी उन्होंने तभी बताया था जब आपने उनसे पूछा था। उस दिन कुछ कहा था उन्होंने? कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन रुखसार, तलाक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसी बात छुपी नहीं रहती, इसलिए आयशा क्यों झूठ बोलेगी इस बारे में? और किरण भी कोई बेवकूफ थोड़ी है। आप खुद सोचिए ना अम्मी, किरण मामू के घर से कॉलेज क्यों जा रही है? फायका मुमानी जो कह रही है वो बात सही है, और ये अदनान है ना, इसे सब कुछ पता है। देखो तो कैसा मीसना बन के बैठा है। लाजमी थोड़ी है कि उनके घर की हर बात मुझे ही पता हो। होनी चाहिए। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किरण से तुम्हारी मुलाकात हुई और उसने तुम्हें सब कुछ ना बताया हो?
अगर उसने मुझे कुछ बताया भी है तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहां आके आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, पूरे जमाने में शोर मचाऊं? तलाक उसका जाती मामला है, अगर मामू को कोई एतराज नहीं है तो फिर आप लोग कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? अपने घर के मसले हल नहीं होते, चौथे घर का किस्सा लेके बैठ गए। हाँ लेके बैठ गए, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? देख लिया आपने, मैं कह रही हूं उसे पता है, शर्त लगा ले मुझसे, किरण तलाक मांग रही है। आपा तक भी बात पहुंच गई है किरण के मुतालबे की, न जाने फायका ने खानदान में और किस किस को बताया होगा, और आप बैठे हैं यहाँ बेटी के नखरे उठा रहे हैं। क्या करूं, गला घोट दूं बेटी का? ये कब कह रही हूं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि उसे समझाएं और इस मामले को और ना लटकाएं। आओ बेटी आओ। अब आपसे एक बात करनी थी। कहो बेटा। अपा मुझे सिकंदर के घर से कुछ चीजें और अपनी किताबें लानी थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अकल के नाखून लो, तलाक को खेल समझ रखा है तुमने, वो भी अपने किए पे शर्मिंदा, खत्म करो इस किस्से को। सारे खानदान को पता चल गया है, जो बाकी लोग रह गए उनके आगे भी तमाशा बनना चाह रही हो। अब आप साथ चलेंगे या फिर मैं अकेले जाके अपना सामान ले? मैं चलूंगा बेटा। बैठ के तुमसे अपने शौहर की बुराइयां नहीं करना चाहती, लेकिन सिकंदर के हाथों में हर उस तकलीफ का शिकार हो चुकी हूं जिससे तुम मुझे यहां पे बैठ के डरा रहे हो। तुम मुझसे हमदर्दी नहीं? हमदर्दी है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। किरण मुझे बड़ी तकलीफ होगी अगर मैंने तुम्हें तलाक के बाद परेशान देखा। तलाक के बाद अगर मैं परेशान हूं तो सबको तकलीफ होगी, लेकिन शादी का फंदा गले में डाल के मैं रोज मरूं, किसी को कोई मसला नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। किरण अपनी किताबें लेने आई थी और कुछ कपड़े भी। ओ, अच्छा, तो अब तक दिमाग सीधा नहीं हुआ आपकी बेटी का? मैं तो समझ रही थी कि अब तक इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। सुनो, कॉलेज जाना शुरू कर दिया है इसने, किताबें तो जरूरी हैं, कपड़ों का तो कुछ कर ही लेंगे। आगे पढ़ा के क्या करेंगे इसे, इतना पढ़ के तो अकल आई नहीं इसमें। मुझे सिर्फ अपनी किताबें लेने दें, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आओ मेरे सामने ले लो अपनी किताबें और जाओ यहाँ से। अगर इतना नखरा है ना तुम्हारा तो हमें भी जरूरत नहीं है ऐसी बहू की। अब आप बैठे, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। नहीं बेटा, तुम जाकर किताबें ले आओ, मैं बाहर इंतजार करूंगा। जाओ। जो कुछ भी ले जाने आई है आप ले जाने दें उसे, मैं बाद में बात करूंगा उससे। वो सिर्फ किताबें लेने आई है और मैं उसे किताबें ही ले जाने दूंगी, तुम्हें ज्यादा हातिमताई बनने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप कुछ मत कहिएगा उसे। वो तुम्हें जूते की नोक पे रखती है और तुम डर डर के मर जाना। अम्मी प्लीज आप उससे कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। तुम उससे डरते हो तो डरते रहो, मुझे मत डराओ।
किताबें लो और जाओ, किसी और चीज को हाथ मत लगाना। अम्मी सिर्फ अपनी किताबें ही लेने आई, बाकी कोई चीज लेना भी नहीं चाहती। और अगर चीजों की हवस होती तो ये घर छोड़ के कभी भी ना जाती। ज्यादा लामा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरे बेटे को परेशान कर रखा है तुमने और मुझे बता रही हो कि सिर्फ किताबें लेने आई हूं। जेवर दिखाओ मुझे सारा। शादी पे डाले जाने वाला सारा जेवर सिकंदर ने लॉकर में रखवा दिया था, बाकी सब वो है जो शादी के बाद लेके देते। और ये जो पहना हुआ है ये भी उतारो। सिकंदर ने कुछ पैसे भी रखवाए थे तुम्हारे पास? जी, उसी दराज में रखे थे, मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर गई। कुफरानी नेमत करने वाले सारी उम्र चीजों के लिए तरसते हैं। मेरा बेटा कितनी चाह से तुम्हें ब्याह के लाया था, पलकों पे बिठाए रखता था तुम्हें। लड़कियां तो दुआएं करती हैं ऐसे शौहरों की, और तुम एक छोटी सी बात पर उसको छोड़ रही हो। इज्जत इज्जत की रट लगा रखी है। मर्द के दम से ही इज्जत होती है, औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं होती। माँ बाप के घर रहोगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अगर मेरी बेटी होती और इस तरह जिद करती तो मैं उसे जूते मारकर ससुराल भेज देती। एक तुम्हारी माँ है, कोई परवाह ही नहीं उसे। और बाप को देखो, हाथ झुलाता हुआ आ गया बेटी के साथ। ये पाकिस्तान है, यूरोप नहीं, कि आदमी ने हाथ उठाया तो औरत पुलिस में रिपोर्ट कर दे। हमने भी मारे खाए फिर भी घर बसाया, जिंदगी गुजार दी उस आदमी के साथ। और तुम समझती हो कि सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। थी अम्मी, आपकी भी इज्जत थी, आपने करवाई नहीं। Thank you.
पता नहीं बेटा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है ना आपकी। अब नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर मिला घर पे? नहीं। और किरण की सास वो तो होंगी? हाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, रोका नहीं किरण को? नहीं। हाँ तो क्यों रोकती भला? आप जो बेटी को लेके वहां किताबें लेने के लिए चले गए वो भी सोचती होंगी कि न जाने। बस तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो और जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। न जाने जो कभी मेरी बात सुन ले ढंग से। बेटी को लिए लिए फिर रहे, ये नहीं सोचते कि दुनिया वाले न जाने क्या क्या बातें बनाए। मुझे परवाह नहीं है लोगों की, कहते रहे जो कहते हैं। मैं लोगों के डर से अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं झोंक सकता। हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती। लोग ये कहते होंगे, लोग वो कहते होंगे। बेटी को अगर कोई मसला है तो क्या मैं उसकी ना सुनूं? वो लोग है ही ना कदर है। तुम जरा देखती आज कैसा उन्होंने हम दोनों का इस्तकबाल किया। मैं तो अगर बेटी की वजह से मजबूर ना होता तो दो मिनट ना दिखता मैं वहां पर। जिस तरह आपका मिजाज है ऐसा ही मिजाज आपकी बेटी ले गई थी। इस तरह घर नहीं बनते। मैं तो पहले भी आपको मना कर रही थी वहां जाने से, पर नहीं, वही जिद। कोई बात थोड़ी माननी होती है आपको किसी की। अब देख लिया ना। ओहो खामोश। अगर आप होते तो जरा अकड़ देखते अपनी बहू की। कहने लगी मैं तो सिर्फ किताबें लेने आई हूँ और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि पता नहीं क्या क्या ले आई थी अपने घर से किताबों के अलावा। और बाप वो तो बिल्कुल चुप खड़ा रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। भाई मैंने तो पहली दफा ऐसे माँ बाप देखे। कमाल है, बेटी की ससुराल आ गए हाथ हिलाते हुए और फिर ये जा वो जा। अरे भाई वो अगर आई थी अपने कपड़े लेने तो उसे ले जाने देते। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसे कहती जाओ सब कुछ ले जाओ उठा के। अरे वो तो आई थी अपने पैसे और जेवरात लेने के लिए, मगर मैंने भी उसको ले जाने नहीं दिए, सब कुछ रख लिया। अरे जब वो यहाँ रहना ही नहीं तो मैं उसे क्यों ले जाने देती कुछ? आप क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे? सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जो बेवकूफी कर रही हो वो ना करो। आज घर आई थी तो तुम्हें रुकना चाहिए था। वापस क्यों चली गई? मैं क्यों वापस चली गई? आपके घर में मैं अपनी चार किताबें लेने आई थी, लेकिन आपकी अम्मी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं चोर थी। मेरे हाथों से कानों से पूरा जेवर तक उतरवा लिया। मुझे तो लगता है कि अगर आपके दिए हुए कपड़े पहन के जाती तो शायद। किरण मुझे नहीं पता कि तुमसे अम्मी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे। मेरे सामने अम्मी आपसे बात करी थी, मुझे तो लगता है शायद आप ही ने उनसे कहा होगा कि वो मेरे साथ। ये सोच भी कैसे सकती हो? मैं अपनी अम्मी से ये कहूंगा कि वो तुम्हें कुछ भी ले जाने ना दे या फिर तुमसे सब कुछ छीन ले। मैं नहीं जानती कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैंने तो आपके बारे में सोचना भी छोड़ दी, लेकिन आज आपके घर में आपकी अम्मी के रवैये से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। मैं आपकी तरह अमीर घर की नहीं हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे चोरी नहीं सिखा। मैंने कब कहा कि तुम ऐसी हो? हमेशा यही समझते रहे आप मुझे और हमेशा यही सुनती रही मैं आपकी जबान से, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या समझते हैं और क्या नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किरण और सिकंदर की तलाक पर इतनी आसानी से कैसे राजी हो गए। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। बस मैं अब उसे
मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो नहीं वहां रहना चाहती तो ना रहे। कि जब वो रोती है ना तो मैं मेरे दिल को कुछ होने लगता। तुम भी मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखा है। मैं बहुत ज्यादती करता रहा हूं तुम्हारे साथ। उस समय मैं पता नहीं क्या क्या कहता रहा तुम्हें, और मुझे इसका एहसास हुआ। लेकिन अब जब मेरी बेटी को तकलीफ पहुंची है तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी तजलील किया करता था। तुम्हारा शौर था भाई, लेकिन ये हक में ही था मुझे। माफ कर देना। बस जाने दे उन बातों को। खालदा जरा देख लेना कि क्या क्या चीजें बाजार से आनी है। मैं अभी शकील को भेज रही हूं बाजार। आपने किरण से कल क्या करा? क्या कहा था? ज्वेलरी के बारे में। हाँ, जब वो तलाक मांग रही, इस घर में रहना नहीं चाहती, तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हारी दीवी चीजें इस्तेमाल करे। आपने उसकी नहीं, मुझे अपनी नजरों में भी गिरा दिया। किरण, पूरे कॉलेज में शोर मच रहा है। तुम सिकंदर से तलाक ले रही हो और तुमने मुझे नहीं बताया। हिम्मत नहीं थी। तुम्हें किसने बताया? आरजू ने, कैंटीन में सबको बता रही थी। तुम क्यों ले रही हो उसे तलाक? क्योंकि सिकंदर मुझे मारता, मुझे गाली देता। तलाक तो इसका हल नहीं है।
कोई और भी तो हल हो सकता है। हल इस बात पर क्या हल निकाल सकते, समझौता। मेरा मिसकैरेज भी सिकंदर की वजह से। तुम उसके पेरेंट्स से बात कर दी, अपने पेरेंट्स से बात कर दी। मैंने की है उनसे बात, सबसे बात की, लेकिन किसी को ये मसला लगता ही नहीं, किसी को एहसास ही नहीं होता ये भी कोई बड़ी बात है। वो सब कहते हैं कि मर्द औरत पे हाथ उठाते हैं, और क्योंकि सिकंदर कपड़ों के और जेवरात के ढेर लगा देता है मेरे सामने, इसलिए मुझे चुप करके उसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें उसे एक चांस तो देना चाहिए। एक चांस? साथिया मैं उसे चांस पर चांस देती। छोटे खानदान का ताना सुनने के बाद मैंने सोचा कि बस बात सिर्फ ताने तक रहेगी। गाली खाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, गाली से आगे तो बात बढ़ ही नहीं सकती। और पहला थप्पड़ खाने के मुझे लगा कि नहीं, सिकंदर इतना शर्मिंदा है कि अब वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अपना बच्चा खोने के बाद साथिया मुझे एहसास हुआ कि ये सिलसिला तो पहले ताने के बाद से रुका ही नहीं, खराब से खराब हो गया जा। मैं बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देने वाला कबूतर बन गई थी। जो शादी के पहले साल हो रहा था, शादी के हर साल वही होता रहा, क्योंकि सिकंदर इसी माहौल में बड़ा हुआ था। उसके लिए औरत पे हाथ उठाना कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सिकंदर इसी मारपीट के साथ बड़ा हुआ, ये चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। उसने मार खाने के बाद अपनी माँ को उसी बाप के साथ उसी घर में हंसते बसते देखा था, इसीलिए उसे लगता था कि मैं भी उसके साथ इसी तरह जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन वो तुमसे प्यार भी तो करता है। लेकिन उसे मेरी इज्जत भी तो करनी चाहिए थी, बहुत कुछ तो नहीं मांग रही थी। तुम रह लोगी उसके बगैर, तुम भी तो उससे प्यार करती हो। इसने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। कहाँ रखूं? ये कौन आया? सिकंदर भाई का ड्राइवर देने आया था। अंदर रख दो। सिकंदर भाई और उनके अम्मी अब्बू आए, तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी कह रही है तुम बाहर आ जाओ। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम इख्तलाफात खत्म करके किरण को घर वापस ले जाया जाए। जी हम भी यही चाहते हैं कि तमाम मामला खुश असलूबी से हल हो जाएं। बेटियां माँ बाप के घर बैठी हों किसी को अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रही हैं, झगड़े किस मियां बीवी में किस घर में नहीं होते, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तलाक का सोचना शुरू कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ उस हिसाब से किरण के एतराजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सिकंदर को कोई हक नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पर मेरी बेटी पर हाथ उठाए।
आपकी बात बिल्कुल सही है जवान भाई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आइंदा ऐसा कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। किरण बेटा बस जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपने घर चलो। अपने ही घर पे अब गुस्सा थूक दो। देखो हम लोग और सिकंदर तुम्हें लेने आए। इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। किरण जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात आपने कितनी दफा कही है मुझसे? पहली दफा जब आपने मेरे खानदान के बारे में तहकीर आमेज अंदाज में बात की थी तब भी आपने यही कहा था। और उसके बाद मेरे माँ बाप और खानदान के बारे में हद तक आमेज जुमले बोलना आपकी आदत हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। जब आपने मुझे पहली दफा गाली दी थी तब भी यही कहा था, और उसके बाद आपने मुझे इतनी गालियां दी कि मुझे गिनती भी याद नहीं। मुझे अफसोस। पहली दफा जब चिल्लाए थे तब भी यही कहा था। मैं मानता हूँ गलतियां होंगी मुझसे, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा सकती। गलती सुधारी जा सकती लेकिन फितरत नहीं। बेटा सिकंदर शर्मिंदा है, और मैं भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसी तुम्हें कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत सिकंदर से है भी नहीं पापा, शिकायत तो मुझे आपसे। मुझसे? जी आपसे शिकायत है, क्योंकि आपने सिकंदर को बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाया। आपने सिकंदर के जहन में डाला कि बीवी को मारना शौहर का हक होता है। मैंने सिखाया? जी ये काम आपने किया। सिकंदर तो बस वो सारी चीजें दोहरा रहा है जो वो बचपन से आपको करते हुए देखता आ रहा है। ये मेरा और वकार का मामला है, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं कि वो मेरे साथ क्या करते रहे क्या नहीं। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, इस मसले ने मेरी जिंदगी को मुतासर किया। अगर सिकंदर मुझ पे हाथ उठाता है तो वो सिर्फ इसलिए उठाता है क्योंकि उसने बचपन से पापा को आप पे हाथ उठाते देखा और हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करते। औरत पे हाथ उठाने का हक अल्लाह ने दिया है मर्द को। जाओ जाकर कुरान पढ़ो और सीखो अच्छी बीवी क्या होती है। अच्छी बीवी के फराइज में कहीं पे भी मर्द के जूते और गालियां खाना नहीं शामिल। मर्द को इजाजत है कि अगर जरूरत पड़े तो बीवी पे हाथ उठाए। किस औरत पे हाथ उठाने की इजाजत देता है कुरान? सरकश और नाफरमान औरत। ना मैं सरकश थी और ना ही नाफरमान। मर्द निगरान है औरत का, उस पर माल खर्च करता है, इसलिए उसे अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो उस पर सख्ती कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मारपीट भी कर सकता है। कुरान ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है, इंसान को, मर्द को नहीं, मर्द और औरत दोनों को। मर्द को औरत का निगरान बनाया तहफ्फुज़ देने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं। अच्छा मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे दीन का तुमसे ज्यादा पता है। बड़ों से हमेशा से सुनती आई हूँ कि मर्द को हक है औरत पे हाथ उठाने का। बड़ों की बहुत सारी बातें गलत भी हो सकती है। मैंने कुरान में सरकश और नाफरमान औरत पे हाथ उठाने का जरूर पढ़ा है, और हदीस है कि उसके चेहरे पे मत मारो और उसको ऐसी जरब ना दो जिससे उसको निशान पड़ जाए। लेकिन मैंने कुरान में ये कहीं नहीं पढ़ा कि मर्द को औरत की तजलील करने का हक या किसी भी बात पे जिद या बहस करने पे मारपीट का हक। जो दीन बीवी को शौहर का लिबास कहता है वो उस लिबास को चीरने फाड़ने का कैसे कह सकता है? वो उसकी धज्जियां उड़ाने का कैसे कह सकता है? मैंने तो कुरान में कहीं नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे दिखा दे। अच्छा हम यहाँ बहस करने नहीं आए थे, तुम्हें समझाने आए थे, जलील होने नहीं आए थे। बहुत इज्जत करवा ली हमने अपनी। ठीक है अब हम तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं।
चल। तुम्हारे अब्बा खाना नहीं खाएंगे, साकिब अगर मांगे तो उसे दे देना। जी अम्मी। क्या जरूरत थी इस कसम की बात करने की तुम्हें? वो चलकर हमारे घर आए थे वो लोग, सिकंदर इतना शर्मिंदा था, चली जाती उनके साथ, इसमें जिद की क्या बात थी? औरतें तो मिट्टी हो जाती हैं घर बनाने के लिए, तुमने तो हमारे बारे में भी ना सोचा, घर भी बच जाता, इज्जत भी रह जाती। इज्जत बचाई, घर टूटने थे, इन दोनों में से एक ही चॉइस थी मेरे पास, दोनों चीजें नहीं मिलनी थी मुझे, अपने कभी भी नहीं मिलनी थी। Ha 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 ha!